इच्छाधारी नाग नागिन से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य तथा नाग नागिन की उत्पत्ति या उनके अस्तित्व के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। आइए जानते हैं इच्छाधारी नाग नागिन से जुड़े इस अद्भुत रहस्यमय दुनिया के बारे में। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि प्राचीन काल में इच्छाधारी नाग नागिन को लेकर अनेक अवधारणाएं प्रचलित थी और कहा जाता है कि प्राचीन काल में इच्छाधारी नाग नागिन हुआ करते थे, किंतु इस युग में इच्छाधारी नाग नागिन से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती है जिससे कि हमें पता चले कि प्राचीन समय में इच्छाधारी नाग नागिन हुआ करते थे। विश्व में हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां पर कई देवी देवताओं को पूजा जाता है। बचपन से ही हम नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में कई परंपराएं चली आ रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में नाग नागिन इच्छाधारी भी होते हैं? विश्व में सांपों की करीब 520 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उन सभी प्रजातियों में हर सांप अलग अलग तरह का होता है, लेकिन कहा जाता है कि उन सभी में सिर्फ इच्छाधारी नाग नागिन ही ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। हालांकि ये बातें सच है या सिर्फ एक कल्पना, इसका प्रमाण शायद कोई भी नहीं दे पाया। प्राचीन समय में अनेक देवताओं ने सांप के अवतार में धरती पर जन्म लिया। लक्ष्मण जी भी शेष नाग के ही अवतार थे। हमारे ग्रंथों में इच्छाधारी नाग नागिन के कई रहस्यों का पता चलता है। फिल्मों की यदि बात की जाए तो ऐसी कई फिल्में हैं जो इच्छाधारी नाग नागिन पर आधारित है। फिल्म में नाग नागिन अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। हमें फिल्मों और कहानियों से इच्छाधारी सांपों के अस्तित्व के बारे में पता चलता है, परंतु क्या वास्तव में इच्छाधारी सांप होते हैं? इसके बारे में आज तक सही तरीके से ये कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि इच्छाधारी नाग नागिन भी होते हैं, किंतु ऐसे बहुत से मत प्रचलित हैं जिनसे हमें इच्छाधारी सांपों के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। आइए जानते हैं सांपों से जुड़े हुए कुछ प्राचीन रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे देश में सांप को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है और शंकर भगवान के गले में भी सांप को दर्शाया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि एक कोबरा जाति का सांप होता है जो कि अपनी 100 वर्ष की उम्र पूरा कर लेने के बाद वह इच्छाधारी सांप बन जाते हैं और फिर वे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा करते हैं। इस तरह के सांपों में अनेक प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं जिनकी वजह से वह किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में नाग कन्याओं का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में बहुत सी नाग कन्याओं का विवाह हुआ था, जिसका उल्लेख हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह एक नाग कन्या से हुआ था तथा अर्जुन का विवाह उल्की नामक नाग कन्या से हुआ था, लेकिन ये सभी नाग कन्याएं इच्छाधारी नहीं थी। शास्त्रों में विष कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है। चीन की पौराणिक कहानियों में इच्छाधारी नाग का जिक्र मिलता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार ये मय शान पहाड़ में दो सांप रहा करते थे, जिनमें एक सांप सफेद और दूसरा हरा था। दोनों सांप 1000 साल की तपस्या के बाद दो सुंदर औरत बन जाते हैं और प्राचीन चीनी शहर सी हू के नजदीक झील में रहने लगते हैं। प्राचीन चीन की इस इच्छाधारी नाग की कहानी पर काफी कुछ लिखा गया है। कैसे होते हैं इच्छाधारी नाग नागिन? हम लोगों ने फिल्मों में अक्सर देखा है कि इच्छाधारी नाग नागिन का ऊपर का धड़ इंसान और नीचे का भाग सांप का होता है। कभी कभी ये पूरे इंसान के रूप में भी होते हैं। माना जाता है कि इनकी लंबाई लगभग 30 से 40 फीट तक हुआ करती थी। पुराणों में जिस प्रकार उल्लेखित है उस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने जिस नाग अगासुर का वध किया था वह भी इतना ही बड़ा था। इसके अलावा हमें पौराणिक ग्रंथों में नागवंश और नाग कन्याओं से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य भी मिलते हैं। भारत किस्से कहानियों में सबसे आगे माना गया देश है। यहाँ हर गली चौराहे पर आपको एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। 29 राज्यों वाले देश भारत के जिस भी राज्य में आप घुस जाए वहाँ हजारों वर्षों पुरानी कहानियों से लेकर कुछ ऐसी प्रचलित कहानियां भी सुनने को मिलेगी जिनका कोई वजूद नहीं मिलता है। ये कहानियां कहाँ से आई, इनके पीछे की वजह क्या है, इसका पुख्ता सबूत हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी वर्षों से ये कहानियां सुनाई जा रही हैं। इन्हें सच मानकर लोग इन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है इच्छाधारी नाग या नागिन की कहानी। दादी नानी या फिर गांव में रह रहे बुजुर्गों के मुंह से अक्सर आपने इच्छाधारी नागिनों के बारे में सुना होगा। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनाई गई है जिनमें दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती हैं।
आजकल तो छोटे पर्दे यानी कि टीवी पर भी इच्छाधारी नागिन के धारावाहिक बन रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इच्छाधारी नागिन होती थी या फिर क्या आज भी कोई इच्छाधारी नागिन है? इच्छाधारी नाग नागिन कैसे दिखते हैं? कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग व इच्छाधारी नागिन भारतीय क्षेत्रीय कहानियों के अनुसार नाग नागिन की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ खास प्रकार की शक्तियां होती थी। नाग नागिन के अलावा ये किसी भी मनुष्य का आकार लेकर सामने वाले को भ्रमित कर सकते थे। सामान्यतः इच्छाधारी नाग या नागिन मनुष्य का ही रूप धारण कर लेते थे। ऐसा करने के पीछे कई कारण होते थे। इच्छाधारी नाग नागिन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि इन्हें बीन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। बीन को इनका भगवान या गुरु माना गया है, इसलिए उसकी आवाज से ये मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और वार नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के मतानुसार, जहां तक वैज्ञानिकों और सिर्फ विशेषज्ञों का मानना है कि इच्छाधारी नाग नागिन से जुड़े हुए सभी पौराणिक कहानियां और चरित्र पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है। सांपों को लेकर कई धारणाएं अभी भी प्रचलित है। हिंदू धर्म में नाग नागिन को भगवान की तरह पूजा जाता है तथा हिंदू धर्म में हमें अनेक ग्रंथों से इच्छाधारी नाग नागिन की जन्म कहानी तथा उनके बारे में अनेकों अनेक जानकारियां मिलती हैं। अब आप लोगों का क्या मानना है? क्या सच में इच्छाधारी नाग या नागिनों का इस दुनिया में अस्तित्व है, या फिर ये सिर्फ ढोंगी और पाखंडी लोगों द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी ही पौराणिक कथाएं हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर वो मिलता है जो कहीं पर नहीं मिलता है। धन्यवाद।